दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लाइव आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी टीवी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे रही है। तो आज मैं हाई एंड बजट और ही के साथ साथ जो बजट टीवीज होते हैं, तो हाई एंड बजट की बात करूँ तो इसमें आपका LG, सोनी, सैमसंग आ जाता है। और बजट में तो आपको पता ही है, जैसे VU हो गया, TCL हो गया, JVC, तो ये सारे टीवी को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखते हैं कौन सी टीवी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे रही है। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। और उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो एक बार बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इसी के साथ साथ बेल आइकन दबा देना, जिससे सारे वीडियोस के अपडेट आपको जब भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए ना मैंने सबसे पहले पिक किया है LG की 6360 की 55 इंच वाली टीवी, और उसी के साथ साथ JVC की 55 इंच वाली टीवी। LG की टीवी आपको मिल जाएगी 67,000 के आसपास और JVC की टीवी का प्राइसिंग 43,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करोगे तो मुझे लगभग पिक्चर क्वालिटी सेम ही लगी, तो ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा LG 6360 55 इंच वाली टीवी और JVC की 55 इंच वाली टीवी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पिक्चर क्वालिटी वाइज। हो सकता है कैमरा जस्टिस ना कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम ही लगी। और अब बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं VU की प्रीमियम एंड्रॉयड सीरीज 55 इंच वाली टीवी किस को TCL की 55 इंच वाली टीवी के साथ। दोस्तों इसको कंपेयर करने के बाद मुझे लगता है कि TCL के कंपैरिजन में VU का जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों आप कंपेयर कर लेते हैं VU की प्रीमियम एंड्रॉयड सीरीज और JVC की 55 इंच वाली टीवी, दोनों में प्राइसिंग में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो आप देख लेते हैं कि पिक्चर क्वालिटी में कितना फ़र्क है या कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बजट ब्रांड्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ पिक्चर क्वालिटी के मामले में। और दोस्तों अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ LG की 6360 और LG की 7500। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है या व्यूअर्स है, बहुत लोग कंफ्यूज है कि कौन सी टीवी या कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर LG 7500 55 इंच वाली टीवी का पिक्चर क्वालिटी एक अलग ही लेवल है। मतलब 6360 का अच्छा है क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, लेकिन आप LG के 7500 से कंपेयर भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी उसमें, जो नैनोसेल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है पिक्चर क्वालिटी के लिए, तो आप यहाँ पे कंपेयर भी नहीं कर सकते। और प्राइसिंग में भी ऑफकोर्स काफ़ी डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। और दोस्तों आप देख लेते हैं पिक्चर क्वालिटी सैमसंग की NU7100 को, और इसी के साथ ही साथ कंपेयर भी कर लेते हैं LG की 6360 से। तो हियर वी गो। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर लगता है कि LG 6360 का जो पिक्चर क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू NU 7100 से ज़्यादा अच्छा है। LG बेस्ट है यहाँ पर।
दोस्तों अब देख लेते हैं सोनी की X70F TV की पिक्चर क्वालिटी को। ऑफ कोर्स आप इसकी पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मुझे रैंक करना हो मतलब पिक्चर क्वालिटी पे कि कौन कौन से स्मार्ट टीवी या 4K TVs है, तो सबसे पहले नंबर वन पे आता है सोनी। सोनी के बाद मैं सेकंड रैंक करना चाहूँगा LG को, उसके बाद सैमसंग आता है, उसके बाद VU, JVC, TCL। तो ये उसके रैंकिंग होंगे मेरे हिसाब से। दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर किया, मैंने और भी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की कि इसमें ब्लूटूथ मिलता है, अमेजोन प्राइम चलता है, मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रैंकिंग है पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से दी है, और जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये सारे ब्रांड्स को कंपेयर करने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी टीवी का पिक्चर क्वालिटी अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अमेजोन पे समर सेल चल रहा है 4 तारीख से 7 तारीख तक, 4 मई से 7 मई तक का। तो अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप मेरे बेस्ट रिकमेंडेड टीवी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए और आप वहां से परचेज भी कर सकते हो। तो आप सेल में शायद आपको कुछ अच्छी डील मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए उसको जरूर जरूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक आपके पिक्चर क्वालिटी के जो सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने उसको हद तक काफ़ी हद तक क्लियर करने का ट्राई किया है इस वीडियो में। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब मैं दे दूंगा। इसी के साथ साथ आप और कौन से नए वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस चैनल पर, जैसे पिक्चर क्वालिटी को लेकर, साउंड क्वालिटी को लेकर, या कोई भी टेक्नोलॉजी के मामले में, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा और या उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जोर से दबा के एकदम कर देना भाई लाइक। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि हमारे हैप्पी गेट फैमिली को या हमारे हैप्पी गेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गेट, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, IDA हैप्पी गाइड, बाय बाय।